करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत भूषण और जानते हैं इस सप्ताह के क्या क्या करंट अफेयर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं। सितंबर में किस तारीख को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका सही आंसर है 10 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2003 से दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी प्रतिबद्धता और कार्रवाई प्रदान करने के लिए हर साल 10 सितंबर को मनाए जाने वाला एक जागरूकता अभियान है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मंत्रालय ने सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया, इसका करेक्ट आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। इसे 9 सितंबर 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देश भर में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 9 सितंबर। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन ने 9 सितंबर 2021 को नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां है। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे 2015 में तात्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिकता तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका सही आंसर है झारखंड। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने झारखंड राज्य में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड के 4 शहरों में सेवा वितरण में सुधार के लिए यह ऋण शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को भी मजबूत करेगा। यह परियोजना राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए झारखंड सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। यह रांची और अन्य 3 शहरों जैसे झुमरी तिलैया, हुसैनाबाद और मोदी नगर में निरंतर उपचारित पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ये शहर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया, इसका सही जवाब है आपका राजस्थान। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A से सट्टा गंधब खंड पर किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपातकाल लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। G20 के लिए भारत के सिरप्पा के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का सिरप्पा नियुक्त किया गया है। G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला G20 शिखर सम्मेलन
30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट आयोजित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है आपका संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने IGNCA नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उन बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है जिनकी उम्र 95 वर्ष और उससे अधिक है। इस तरह उन्होंने आज़ादी से पहले भारत में लगभग 18 साल बिताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन उपलब्ध कराकर स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करना है। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए प्राण पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने केवल क्षेत्र के अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है आप लोग का लद्दाख। 4 सितंबर 2021 को पारित लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021 के अनुसार लद्दाख प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के विपरीत क्षेत्र के केवल अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में सुधारवादी नेता ईवी रामासामी पेरियार की जयंती मनाने का फैसला किया है। पेरियार ने पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग का जहाज का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ध्रुव। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव विशाखापत्तनम से कमीशन किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से किया गया है। INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान और पता लगाने के लिए समुद्र के बेड का नक्शा भी बना सकता है। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल कमान के साथ संचालित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम की योजना लागू की है। इस योजना के तहत
कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के पारिवारिक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। यह विधेयक राज्य के सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थाओं को एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत लाने का प्रयास करता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों से एफिलेटेड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? इसका सही आंसर है मिस्र। ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों की भागीदारी होगी। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था जिसमें 16 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल हुए थे। तो इस तरह से इस सप्ताह का जो जो आप लोग का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स था उसका मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सप्ताह अगर आप इसी तरह का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रविवार को इसी समय। तब तक के लिए थैंक यू।